नमस्कार, मैं हूं सुरंजन। आप लोग देख रहे हैं मैक्स टीवी और मैक्स टेलीविजन 2। और जैसे कि मैंने कल एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने कुछ चंद बातें कही थी, उसी बात के मुताबिक कुछ हुआ है। और जिसका चर्चा चल रहा था, आज भी चर्चा जो है वो जारी थी। थोड़ी देर पहले तक मीटिंग होने थे 12 बजे, लेकिन मीटिंग शुरू हुआ अहमदाबाद में। वो मीटिंग शुरू हुआ क्योंकि अहमदाबाद में ही मैच है, मुंबई और इकाना में मैच है, मुंबई और LSG का, तो IPL का। तो उस दौरान मीटिंग चल रही थी, 1:30 बजे से मीटिंग चालू हुआ था। उसके बाद में उस मीटिंग में राहुल द्रविड़ थे, अजीत अगरकर थे और जय शाह थे, और वर्चुअली उस मीटिंग में रोहित शर्मा भी थे। तो रोहित शर्मा में जिस तरीके से, जैसे मैंने कहा था, एक लिफाफा रोहित शर्मा ने थमा दिया था, उस हिसाब से लिफाफे में जो है 15 नाम थे, तो 4 कौन रिजल्ट जाएंगे उसके लिए भी चर्चा हुई थी। तो चर्चा हो रही थी, तो सब कुछ ख़त्म हो गया। अभी 15 जो पहला 15 मेंबर है उस टीम का ऐलान कर दिया गया। और टीम जिस तरीके से था वही है, उलटफेर बहुत सारे नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, संजू सैमसन को उसमें जगह मिली, उसमें जसविंद्र चहल को जगह मिली, उसमें शिवम दुबे आए, उसमें रिंकू सिंह भी है लेकिन रिजर्व में है, शुभमन गिल भी है रिजर्व में है, आवेश खान है, और एक जो इंक्लूशन है लेफ्ट हैंड पेस बॉलर का, वो है खलील अहमद। खलील अहमद होना चाहिए था, खलील अहमद हो सकता था, नटराजन भी हो सकता था, लेकिन नटराजन का फॉर्म जो है काफ़ी देर में पिकअप हुआ, इसलिए हो सकता है कि नटराजन को नहीं लिया गया। लेकिन खलील अहमद का जिस कंसिस्टेंसी से वो गेंदबाजी कर रहे थे, तो उस हिसाब से खलील अहमद को भी रिजर्व में रखा गया। तो पहले 15 आपको मैं बता देता हूँ फटाफट, उसके बाद में जो बाद वाला वीडियो होगा, मैक्स टीवी में भी ये वीडियो होगा, मैक्स टेलीविजन 2 में भी ये वीडियो थोड़ी देर में अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। उसके बाद में इन डेप्थ एनालिसिस में आएंगे, कैसे क्या हुआ, कितना जायज हुआ कितना नाजायज, कितना कोई अनचन हुआ कि नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन हार्दिक पांड्या को रखा गया है। हार्दिक पांड्या का नाम इतने के बावजूद भी 37वें जन्मदिन पर रोहित शर्मा को बहुत बहुत मुबारक। और जैसे कि मेरे कम्युनिटी टैब में भी पोस्ट किया, इंस्टा में भी मैंने पोस्ट किया रोहित शर्मा का, वो ट्रॉफी दिखते हुए, तो ट्रॉफी हम लोग दिखना चाहते हैं। रोहित शर्मा का 37वां जन्मदिन है आज, तो उस लिफाफे में इतना कुछ हार्दिक करने के बाद भी हार्दिक को टीम में रखा गया है। प्रीवियस जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन के तरफ, उस तरफ पे ध्यान रख करके के परफॉर्मेंस को आगे तवज्जो दिया गया, यानी उसका कोई भी कुछ एटीट्यूड हो कुछ भी हो, लेकिन हार्दिक के ऊपर में और एक प्लेयर को रखा गया हुआ है, शिवम दुबे। और शिवम दुबे रखा गया है, ऐसा अगर सिचुएशन पैदा होता है तो उसमें शिवम दुबे भी आकर के 2-3 ओवर डाल सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान सीरीज में आप लोग देखा कि शिवम दुबे ने गेंदबाजी की और उसमें विकेटें भी वो निकाले थे। इसलिए हार्दिक पांड्या का आप परफॉर्मेंस में उसको ध्यान देना होगा, माइंडसेट थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, पहले के तरफ में हार्दिक पांड्या को रहना पड़ेगा। हार्दिक पांड्या को मौका दिया गया, जैसे कि मैंने कहा था, अजीत अगरकर थोड़ा कड़ा रुख का सिलेक्टर है, वो खेले हुए हैं, इन राहुल द्रविड़ से भी खेले हुए, सभी से खेले हुए, उसका सोच अलग है, क्योंकि वो इंग्लैंड का सीरीज जब हुआ था उस सीरीज में अजीत अगरकर ने काफ़ी प्लेयर को पुश किया था जो डोमेस्टिक लेवल में अच्छा कर रहा था, उसमें ध्रुव जुरेल थे, उसमें सरफराज खान थे, सभी ने परफॉर्म करके दिया, तभी चल करके हम लोग सीरीज जीते एकदम, जिसमें विराट कोहली भी नहीं थे, KL राहुल नहीं थे, बहुत सारे आदमी लोग नहीं थे, फिर भी हम लोग जीते हैं। और कंसिस्टेंसी, परफॉर्मेंस का कंसिस्टेंसी, IPL का तवज्जो दिया गया है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है उसके जो लगातार खेले हैं उसके हिसाब से उनको टीम में लाया गया है। और 15 खिलाड़ी ऐसे होंगे, रोहित शर्मा कप्तान, हार्दिक पांड्या उपकप्तान, उसके साथ में यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, ऋषभ पंत, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, हर्षदीप सिंह, यजुवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, सूर्य कुमार यादव,
विराट कोहली और जो है 15वां खिलाड़ी आपका होंगे हार्दिक पांड्या। ये है सारा चीज। तो रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और जो है अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज है, युजवेंद्र चहल है, कुलदीप यादव है, ये 15 खिलाड़ी जो है, ये 15 खिलाड़ी है। चार जो रिजर्व में हैं, वो चार रिजर्व ऐसे हैं, आवेश खान है उसमें खलील अहमद है, शुभमन गिल है और रिंकू सिंह है। ये है खिलाड़ी, 15 खिलाड़ी का जो नाम मैंने बताया, ये डिक्लेयर हो चुका है जैसे डिक्लेयर होना चाहिए था। और 2 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा अजीत अगरकर और रोहित शर्मा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसको लिया, क्यों लिया गया, क्यों उसको ड्रॉप कर दिया गया, ये चीज़ होगा। तो इसमें जो मिसिंग प्लेयर है, जो हमेशा थे इंडिया के टीम में, थिंक टैंक में, स्कीम ऑफ थिंग्स में, उसमें और एक प्लेयर का नाम मैंने गलती से मिस कर गया हूँ, अक्षर पटेल। तो काफ़ी जो है बैलेंस जो है टीम में है। अभी पहला 11 कैसे चुना जाता है वो देखना चाहिए। शुभमन गिल का जो प्रीवियस आईपीएल का परफॉर्मेंस है और प्रीवियस जो लगातार वो परफॉर्म कर चुके, उसको उसका लिहाज उसको ध्यान में रखते हुए शुभमन गिल को लिया गया है टीम के अंदर, रिजर्व में लेके जाया गया है। और रिंकू सिंह भी है, क्योंकि रिंकू सिंह को इस आईपीएल में केकेआर ने उतना ज़्यादा मौका नहीं दिया। रिंकू सिंह को काफ़ी नीचे फिनिशर के रूप में देखना है, लेकिन रिंकू सिंह केकेआर के तरफ से उनको ज़्यादा बैटिंग नहीं मिली है, इसके वजह से जो हुआ रिंकू सिंह रिजर्व में है प्रीवियस परफॉर्मेंस की वजह से। तो ये है सारा चीज़। तो फिर मैं बता देता हूँ, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और संजू सैमसन। ये है 15 आपका खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप के लिए चुने गए, T20 वर्ल्ड कप के लिए। सारे लिहाज से आप देखिए बैलेंस इसमें है। आप देखना ये है कि हार्दिक पांड्या के साथ में शिवम दुबे भी खेलते हैं या शिवम दुबे खेलते हैं, हार्दिक पांड्या के तरफ से एक खेलते हैं, तो उसका चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अभी टीम का डिक्लेरेशन मैं कर दिया, टीम यही डिक्लेयर हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 तारीख को होगा। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होगा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या अजीत अगरकर ने कहा, क्या रोहित शर्मा ने कहा, और उसके बाद में आप लोग का पास में फिर वीडियो लेकर के मैं आऊँगा। अब तक के लिए इतना ही। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर शेयर, लाइक, कमेंट्स कीजिएगा, और मैक्स टीवी और मैक्स टेलीविज़न 2 दोनों को सब्सक्राइब करते हुए नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।